सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज एक बहुत ही शानदार भैंस दिखा रहे हैं आपको, दूध की लाइन की बहुत ज़्यादा दूध वाली भैंस है। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद कोई ऐसी भैंस अपने चैनल पे आ रही है जिसका दूध लाइव मिल्किंग हो चुका है, काफ़ी बढ़िया दूध रिकॉर्ड करवाया है। जो भाई वीडियो देख रहे हैं लगभग भाई जानते हैं, जाने माना चेहरा वीरेंद्र गढ़वाल भाई के पास हैं, फतेहाबाद के, ये कह सकते हैं बिल्कुल फतेहाबाद के अंदर ही, और फतेहाबाद में जो सिरसा की तरफ रोड जाता है वहाँ मेन रोड से बिल्कुल 2 एकड़ 1.5 एकड़ साइड में भाई का फार्म है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी मैं कहूँगा ज़मीन है, ये काफ़ी बढ़िया हरियाणा का एक किस्म से ये कह सकते हैं सबसे बढ़िया ज़मीन वाला इलाके पर खड़े हैं। और सबसे बढ़िया भैंस ही आज आपको दिखाएंगे, दिल थाम के वीडियो देखें। वीरेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार भाई जी। वीरेंद्र भाई जी, राम राम। तो वीरेंद्र भाई, ये भैंस कौन से ब्यात की है, कितना दूध इसने लाइव में कौन कौन से टाइम कितना दूध दिया है, पूरी डिटेल से जानकारी दो। टाइम तो लाइव वीडियो देख के बता सकता हूँ कितना कितना दिया है। लिंक शेयर कर दूंगा फेसबुक के चारों, ठीक है, तो उस हिसाब से आप बता देंगे। फेसबुक पे लाइव चलाई है चार, फेसबुक पे चार टाइम लाइव चलाई है जी। ठीक है, तो कितना दूध दिया भाई जी? 25 kg 66 g। 25 kg 66 g दूध फेसबुक लाइव में इस भैंस ने 4 टाइम की लाइव मिल्किंग में दूध तुलवाया है। तो कौन से ब्यांत की है भाई? सब ये भाई जी, ये तीसरे ब्यांत की है। दूसरे ब्यांत के बाद ये 1.5 साल बाद के फिर हुई थी तकरीबन, ये दूसरे ब्यांत ब्याने के बाद में 1.5 साल का गैप मार के क्या फिर हुई थी, बीमार हो गई थी भैंस, ये बीमार हो गई थी। और ये भैंस आप जानते ही, अपने जो रमेश दानसु भाई हैं, हाँ हाँ, वो लेके आए थे, उन्होंने ये पंजाब में सेल कर दी थी। हाँ हाँ। तो भाई जी अब की बार भैंस पूरी तैयारी पे नहीं है इसके, ये जो आप शरीर के हिसाब से सींग थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हाँ हाँ, अगली बार आपको ये सींग भी छोटा दिखाई देगा जब ये पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो गर्मी के कारण भी थोड़ा दूध कम दिया, वरना अगर ये भी अगर भाई जी जैसे पहले या दूसरे महीने में व्यक्ति तो 2-3 किलो और फालतू दे देती। ठीक है, इसका थोड़ा ज्यादा आपको बताइए भाई जी। बिल्कुल, फिलहाल बारिश का मौसम, वैसे मानसून तो हरियाणा में आनी चाहिए थी आज से 10-15 दिन पहले, और ये दो जो दूध तुला है वो 10 दिन पहले ही भाई ने तोला है। मैं 10-15 दिन हो चुके हैं, मैं दिखाना चाहूँगा भैंस को नज़दीक से, बहुत ही बढ़िया साइज के मामले में मैं कहूँगा बेजोड़, बिल्कुल मेरे ख्याल से 5 फीट से कुछ ना कुछ ऊपर ही हाइट हो सकती है, 1.5 इंच हो सकती है, 2 भी हो सकती है। हाँ, 5 फीट से ऊपर हो सकती है, बहुत ही लंबी गर्दन चोटी की देखिए, काफ़ी बढ़िया बोन स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, और टाइट अडर की है पैरों के बीच, जोशीले अडर की, कोई भी वाइट बाल पूंछ में नहीं है। देखिए अडर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया, और काफ़ी बार मैं एक बात कहता हूँ कि टाइट अडर की भैंसें ज़्यादा दूध देती हैं, और जो बड़े अडर वाली भैंसें हैं वो भी दे सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइट अडर की भैंस फेल होने का बहुत ही कम चांस होता है। वैसे मैं बताना चाहूँगा इस भैंस के बारे में, वीरेंद्र भाई के पास फतेहाबाद में खड़ी है, वैसे हमारे मित्र हैं संजू भाई जो पंजाब से हैं, जिन्होंने जिनके मैं कहूँगा अभी फ़िलहाल ओनर इस भैंस के संजू भाई हैं, और वीरेंद्र भाई की और संजू भाई की घनिष्ठ मित्रता है। दूध तोलने के लिए भाई ने भैंस अपने पास, तो दूध तोलने के लिए आई थी, ठीक है ठीक है। वैसे कोई पूछेंगे काफी सारी बातें भाई से करेंगे। वीरेंद्र भाई, इतना दूध पे भैंस चली गई तो क्या कुछ खिला पिला के भैंस ने इतना दूध दिया भाई जी? एक तो आप देख रहे हो ये चाट पूरा तांसड़ा खिलाना पड़ता है 3 टाइम, कोई बोल देता है मेरी 2 किलो चाट पे देती है, 5 किलो चाट पे देती है, ये 3 टाइम तकरीबन 15-20 किलो का तांसड़ा है, तो आप मान सकते हो कि सुखी फीड ये 12-13 kg सुखी फीड 24 घंटे में खाती है, ज्यादा खाती तो ज्यादा भी खिला देते, 15 किलो भी खा जाती होगी, 15 किलो भी खा जाती होगी भाई जी, 5 किलो तोल के तो देते नहीं, 5 किलो एक टाइम की, 3 टाइम देते हो, बिल्कुल भाई जी। ये दवाइयाँ भी रखी है साथ में, ये कैसी है भाई जी, ये भी दिखाना उठा के। वैसे दाने की बात करें, इसमें दाने में क्या क्या मिला रखा है? एक तो बिनोले की खल दिख रही है भाई जी, ये कई अपने पशुपालक भाई पूछते हैं आप क्या खिलाते हो क्या नहीं, इसलिए इसके अंदर एक तो बिनोले की खड़ है, हाँ हाँ, एक बिनोला है ग्राइंड करके, हाँ हाँ, एक मूंग की चूरी है, मोठ की चूरी है, हाँ हाँ, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, हाँ हाँ, और एक चना है ग्राइंड करके वो डलवा रखा है, मेथी है भाई जी, हाँ हाँ, बाकी जैसे लाइव स्टॉक कल्चर हो गए इसमें शक्कर डलवा रखी है, क्यों थोड़ा मीठा हो जाए इसलिए पशु ज्यादा खा ले। ठीक है, ये सारा कुछ डलवा रखा है, उसके अलावा कोई और
और तो भाई जी बस हरा तूड़ी वही खिलाते हैं। अच्छा, और ये दवाइयाँ कैसी हैं दिखाना? तो भाई जी जैसे अपन इसको ये लीवर टॉनिक देते हैं। हाँ, क्या नाम है? एंडलिव। एंडलिव है भाई जी, ये संजू गुज्जर भाई लेके आए थे पंजाब से। अच्छा, तो भैंस भी इसका रिजल्ट देखना अपने को भाई जी, रिजल्ट बढ़िया लगा। इससे पहले अपने को एक आधी कंपनियों का रिजल्ट बढ़िया लगा, वो भी आपके पास शेयर किया था। एक ये भाई जी एंड ग्रोथ है, ये ब्याने से पहले इसकी 2 महीने पहले चलू की थी, इसने भी बढ़िया रिजल्ट दिया है। ठीक है। और ये तो भाई जी जैसे दूध तोड़ने के टाइम पे एंड काल जेल है, इसकी एडवांस जेल है, ये उस टाइम में यूज की थी। ठीक है। तो ये संजू भाई पंजाब पंजाब में ही है संजू भाई, ये क्या इधर भी है? ये तो भाई जी इसका ट्रेस मिनरल है। संजू भाई ये पंजाब में ही है जी प्रोडक्ट। हाँ हाँ, तो वहीं की कंपनी है पंजाब के। अच्छा रिजल्ट मिला था, भैंस से 2 महीने पहले इसका शुरू कर दिया था सारा। अच्छा। और जिस टाइम में भैंस गाभिन नहीं हो रही थी, हाँ हाँ, उस टाइम भी इसका ट्रीटमेंट कराया था भैंस का, उस टाइम भी मैंने जो एंडमिन पाउडर है इसको मैं कम से कम भी 7-8 किलो खिलाया, भैंस अच्छी तैयार हो गई थी और भैंस गाभिन हो गई थी। ठीक है ठीक है। वैसे अभी क्या फ्यूचर प्लान है भैंस का? क्या प्लान यही है, जैसे आज बारिश होगी, ईट में भी आ चुकी है कल से। हाँ हाँ। और ये ईट तोड़ते ही इस ईट में इसको क्या भीड़ नहीं करवाएंगे। हाँ हाँ। इसके अभ्यांत लेंगे भाई जी सर्दियों का। ठीक है। बाकी तो मालिक की मर्जी है। हाँ हाँ हाँ। तो पहले 2 महीने में, 3 महीने में, 3 महीने का लेके अभ्यांत, और उस हिसाब से देखेंगे। अब इसका दोबारा 10-15 दिन बाद में दोबारा से खड़ लगाने की इच्छा है भाई, क्या पता बढ़िया वाली और दिखा दे इससे ऊपर। दोबारा से दूध तुलवाने की इच्छा है, देसी भाषा में भाई ने कहा खेड़ मारने की सलाह दोबारा से। तो वो बहुत सारे भाई समझ नहीं पाए होंगे हरियाणवी भाषा। साथ में देखिए कटड़ा है ना भाई जी? कटड़ा भाई जी, ये लक्ष्मी डेयरी फार्म वाले मोदी का है। मोदी का है। ठीक है। कटड़ा थोड़ा भाई जी गर्मी करके बीमार हो गया था। ठीक है ठीक है। आपको कमजोर नजर आ रहा। ठीक है ठीक है। तो दोबारा से दूध कितने दिन में तुलवाने का प्रोग्राम भाई साहब? दोबारा से भाई जी जैसे ये बढ़िया अपने दोबारा प्रदर्शन पे आएगी। हाँ, तो जैसे अपन ने इसका 25 किलो 66 ग्राम दूध तोला था। हाँ हाँ। वेट में आने के बाद उससे भी दूध कम, उससे भी आप बोल दे भाई उतना ही दूध है। हाँ हाँ। और जैसे ही उस दूध को ये क्रॉस करती है, अगर ये 27 किलो पे जाएगी तो दोबारा तोलेंगे, वरना अगले ब्यांत तो कोई मालिक के दया से बढ़िया दूध तोलेंगे। ठीक है। अगले ब्यांत की तैयारी चल रही है वैसे देखा जाए तो? एक बार दोबारा तैयारी करके अगर ये कम रखती है तो ज्यादा आप खिंचाई नहीं करेंगे भैंस की, फिर अगले ब्यांत दूध तोल लेंगे। ठीक है ठीक है। संजू भाई वैसे पूछना चाहें आपका पंजाब में कौन सा जिला है, कौन सा गांव है? सुंदर भाई मेरा गांव करतारपुर है जी। हाँ हाँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा रूपनगर। हाँ हाँ। और पंजाब जी। ठीक है ठीक है जी। तो ये किधर पड़ेगा आपका गांव? चंडीगढ़ से कोई 70 किलोमीटर दूर है जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो ये देखिए मैं दोबारा से भैंस दिखाना चाहूंगा, काफी बड़ी है वीरेंद्र भाई के बिल्कुल मैं कहूंगा बराबर दिखाई दे रही है, और बोन स्ट्रक्चर काफी बड़ा है भैंस का। ये देखिए मैं पीछे बिल्कुल टाइट रडर की भैंस है। हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा मैं कहूंगा बिल्कुल जोशीली और टाइट रडर की भैंस है। उंगली गडाना भी मुश्किल है, बहुत टाइट है जैसे बिल्कुल। तो बढ़िया थनों की क्वालिटी है भैंस की, बोन स्ट्रक्चर काफी बड़ा है, और बोन स्ट्रक्चर जिस भैंस का बड़ा होता है, बोन स्ट्रक्चर का मतलब जो हड्डियों का ढांचा है वो काफी बड़ा है, वो किसी भैंस का बड़ा होता है। और दुधारू अगर वो हो तो मैं कहूँगा बच्चे भी वो चैंपियन देने वाली होगी। और जो भाई भैंस के बारे में तो मेरे ख्याल से बेचने बेचने का तो कोई बेचने नहीं है भाई जी, बेचने तो इसको देंगे नहीं अपन ये भैंस। अच्छा अच्छा। बेचनी हो तो आप खुद ही रख लेंगे। बेचने भाई जी अपने पास खड़ी है। बिल्कुल सही बात है, बेचने का कोई विचार नहीं है। वैसे दवाइयों की बात करें जो भाई ने दवाइयाँ हमें दिखाई, अगर वो लेना चाहते हैं तो कंपनी का नंबर भी हम उपलब्ध करवा देंगे, और संजू भाई का और वीरेंद्र भाई का नंबर भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। जो भी भाई इनसे बात करना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? 25 किलो दूध लाइव मिल्किंग तुलवाने वाली, काफ़ी दिनों के बाद हमें भैंस देखने को मिली, और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसी रही। और अगर 27-28 किलो दूध देती है तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि 2 टाइम की मिल्किंग शाम की और सुबह की मैं अपने चैनल पर भी आप भाइयों को दिखा पाऊँ। फ़ोटो वगैरह भैंस के हो चुके हैं, जब भी लाइव मिल्किंग होगी आपको फ़ोटो के साथ बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीद रहेगी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर जो है भाई दोबारा से इसका दूध तुलवाएंगे। और हरियाणा जिसको जाना जाता है मुर्रा के लिए, मुर्रा की खान है, इतनी बड़ी बड़ी भैंसें मिलना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं इन किसान भाइयों को, इन पशुपालक भाइयों को जो इन पर मेहनत कर रहे हैं और इनके अच्छे अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं, कटड़ा तैयार कर रहे हैं, कटड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, तो वो आगे जाके नस्ल सुधार में ही काम करेंगे। सभी भाई जो भी वीडियो के लास्ट तक बने रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करें,
सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।